जिंदगी कितनी बेतवार चीज़ है, इसका एहसास हमें उस वक्त होता है जब हम ये देखते हैं कि एक हंसता मुस्कुराता चांद चेहरा जो कल तक हमें मौजूद था अब नहीं है, शोहरत और मकबूलियत के आसमान पर अपनी पूरी ताबानियों के साथ रोशन था लेकिन अब मौत के अंधेरे में सदा के लिए गुरूब हो गया। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना कुछ कर जाते हैं कि मौत भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। नाज़िया, जैसे लोग अपने फ़न के इतने गहरे नकूस छोड़ते हैं कि आने वाले ज़माने भी उन्हें नहीं मिटा सकते, यूँ वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा उनके दिलों में ज़िंदा रहते हैं जो लोग उनसे प्यार करते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में सिर्फ एक गाना गाकर, जी हाँ सिर्फ एक गाना गाकर शोहरत और मकबूलियत की उन बुलंदियों को छू लिया जिसके लिए लोग तमाम उम्र रियाज करते हैं। उसके घर वालों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बच्ची ने इस कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। The first album, you know, we did, I mean, that Nazia did actually. Nazia sang our first commercial song, and that was for a film called Qurbani in 1980. And you know, it was phenomenally successful, and it just opened up a complete new area of music in the subcontinent. And then on from that, we were asked by the record company to do another album, and people were still very skeptical about the whole pop music, Indian pop music or Pakistani pop music concept. And we did an album called Disco Diwane, and I think that changed a lot of minds and attitudes because it was so successful. It just revolutionized the entire music industry scene in the subcontinent, and more importantly, it crossed over into the international market, which was the first. And I think, you know, as we know it today, the indie pop trend and even the Bhangra trend, which is happening now, it helped basically pave the way for all this music which came later. You know, we did various albums after that. Disco Diwane came in 1982. Yeah. Then we did an album called Star. That was for a film. That was I think about 82, 83. Then we did another album called Young Tarang, which is, I think, been re-released
recently remixed and re-released in India. And then we had an album called Hotline, and then the last album we did was Camera Camera. Film Kurbani mein jab uski awaaz ne jadoo jagaya, aap jaisa koi meri zindagi mein aaye to baat ban jaye, to sunne wale hairat zada ho gaye. Wo pehle hi gaane se gold disc ho gayi, aur jab award dene ke liye use Mumbai bulaya gaya to uske ghar wale khush bhi hue aur hairan bhi. नाजिया आज हम में नहीं है, वो चांद चेहरा खाक में मिल गया, लेकिन उसकी यादें अभी भी जिंदा हैं। उसकी माँ अपनी बच्ची के पहले गाने की खुशियों को अभी तक नहीं भुला सकी, वो अभी भी उन यादों को अपने दिल में बसाए हुए है। जब नाजी ने गाया गीत तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ समझ के ही नहीं गाया। वो स्कूल से आई थी, फ्रांसिस हॉलैंड में थी उस वक्त, गई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, फिल्म वाले वापस चले गए, फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया वहाँ से, बहुत एक्साइटेड कि ये गोल्ड डिस्क हो गई। हमें उस वक्त ये भी नहीं पता था कि गोल्ड डिस्क का क्या मतलब है, बहुत अच्छी बात हो गई। फिर वहाँ से फ़ोन आया फिल्म फेयर अवार्ड से, और उन्होंने कहा कि वो नाजिया को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है। नाजरीन, हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। बच्चे चाहे बड़े भी हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। चाहे बड़े होकर वो खुद बच्चों वाले हो जाएं, लेकिन माँ बाप उन्हें छोटा ही समझते हैं। नाजिया भी अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। नाजिया और जहेब बड़े भी हो गए, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहे। मुझको मुझसे छीना, और मैं क्या हूँ तेरे बिना।
सिर्फ पॉप म्यूजिक की ही दीवानी नहीं थी, उसे क्लासिकल म्यूजिक से भी बहुत लगाव था और बहुत से क्लासिकल सिंगर्स उसे पसंद भी थे। स्पेशली फरीदा खानम से उसे बहुत मोहब्बत और अकीदत थी और फरीदा खानम भी उसे बहुत पसंद करती थी। प्यारी सी शख्सियत इतनी जल्दी हमसे जुदा हो गई कि जब तक उनकी आवाज़ हमारे जहन में और हमारे दिलो दिमाग में छाई रहेगी, और ये यकीनन है कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गाया और बहुत खूबसूरत उनकी तबीयत और एक अच्छी सोच की मालिक थी। इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा जहन, ये कुदरत की तरफ से ख़ास एक जिनको इतना नाम मिले, इतनी इज्जत मिले, उनके लिए एक ख़ास मकाम होता है परवरदिगार की तरफ से कि ये इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी चले गए और एक यादें अपनी छोड़ गए और बहुत ही खूबसूरत यादें। मुझे जब उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया तो मैं सुन के, उनकी आवाज़ सुन के मुझे खुशी बहुत हुई और वो कहने लगी कि मैं आपके बगैर अपना प्रोग्राम करना ही नहीं चाहूँगी और आपको आना पड़ेगा, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ और आपसे मुझे बड़ा लगाव है, आपके मैं छोटे होते से गाने सुनती चली आ रही हूँ। इतनी मिठास से, इतनी मोहब्बत से उन्होंने मुझे कराची से फ़ोन करके अपने प्रोग्राम में बुलाया कि वो बातें अब तक मेरे जहन में हैं। काफ़ी अर्सा हो गया, 10-12-13 साल के करीब हो गए इस प्रोग्राम को किए हुए, लेकिन उनकी वो मोहब्बत और उनकी एक चाहत जो थी वो एक दिल में और दिमाग में घर कर दी। जब मैंने अपनी सिंगिंग का आगाज़ किया तो मैं ये समझती हूँ कि नाज़िया हसन वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल पॉप सिंगर, और उनके गाने ना सिर्फ पाकिस्तान में ही बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर थे। शी वॉज एन इंटरनेशनल स्टार, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत वो खुद थी। इट्स अ ग्रेट लॉस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टीवी एक मरतबा फिर बेशुमार नए प्रोग्राम्स के साथ। आपने देखा ही होगा कि नए प्रोग्राम्स का सिलसिला सितंबर 2000 से शुरू हो चुका है और अब हम आपके लिए ला रहे हैं अक्टूबर से और ज्यादा ब्राइट, एंटरटेनिंग और कलरफुल प्रोग्राम। जेवरात और बनाव सिंघार की तारीख जितनी कदीम है उतनी ही दिलकश है। हार सिंघार में आप सुनेंगे जेवरात और बनाव सिंघार के गीत 7 अक्टूबर से हर हफ्ते की शाम 5:15 पर। माही सतरंगिया वे लहदे परहंदा वे दस तेरा की जाना, प्यार मेरे दा तोहफा माही पर दशरो आंदा, तुम सनमी गुट्टे मेरी। मौसम की कहानी, दरअसल टूटते और जुड़ते हुए रिश्तों की कहानी, जिनका महवर मोहब्बत का लाजवाब जज्बा है। ज़हनी तौर पर माजूर एक बेटे और उसके बाप की कहानी, जो बेटे की मोहब्बत में कत्ल जैसे भयानक जुर्म का मुर्तकिब होता है। ड्रामा सीरियल मौसम 7 अक्टूबर से हर हफ्ते की शाम 7:45 पर। नाज़िया को बचपन से गुलुकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसकी वालिदा ये नहीं चाहती थी कि वो गुलुकारा बने, लेकिन जब उसका ये शौक जुनून की हदों को छूने लगा तो फिर उसे इजाज़त भी मिल गई और पहले ही गाने से जब उसकी आवाज़ फिजाओं में बिखरी तो उसने सबको हैरान कर दिया, यहाँ तक कि उसकी अपनी वालदा भी हैरान हो गई और आखिर नाज़िया का ये जुनून रंग ले ही आया और उसकी आवाज़ का जादू दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। जहाँ पर
अब है नाजिया को किसी की नहीं।